Welcome friends, welcome to my YouTube channel Ron Online Solution. Friends, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स पार्ट नंबर 7। इसके पहले टोटल 6 पार्ट अपन बना चुके हैं, उसमें मैंने आपको बताया था लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, बेसिक्स ऑफ लाइंस एंड एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, किस किस प्रकार के एंगल बनते हैं, लीनियर पेयर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड उसके बाद अपन ने बताया था कि अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन किसी दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर कौन कौन से प्रकार के एंगल बनते हैं, किस किस टाइप के एंगल बनते हैं, ये अपन सब पढ़ चुके हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, को इंटीरियर एंगल क्या होता है, सभी के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब समय है इन सभी एंगल्स को अपने क्वेश्चन में अप्लाई करने का और उसके थ्रू अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 पार्ट 7। लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 लाइंस एंड एंगल्स क्वेश्चन नंबर 5। इट्स अ वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो प्लीज वॉच माय वीडियोस टिल एंड और इसे अच्छे से समझने की कोशिश करें क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है POQ इज अ लाइन, रेज OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ and OS is another ray lying between rays OB and OR. Prove that angle ROS is equal to half angle POS minus angle QOS. So first we draw the diagram of this question. आपको दिया हुआ है POQ is a line, that is हमने यहाँ line बनाएंगे. POQ. POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ, मतलब एक ray है जो कि इस PQ पे 90 degree angle बना रही है, that is ray OR is perpendicular to line PQ and another ray OS is another ray lying between OP and OR. OS is another ray lying between OP and OR, मतलब एक रे जो कि OP और OR के बीच में लाई कर रही है, दैट इज द OS. OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन OP एंड OR, और हमें प्रूव करना है एंगल ROS. ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल POS माइनस एंगल QOS. सो अब क्वेश्चनों में क्या समझना है, किस प्रकार से क्वेश्चन को अपन प्रूव करने वाले हैं, पहले अपन ये देख लेते हैं। हमें लेके आना है ROS इक्वल टू हाफ एंगल POS माइनस एंगल QOS। तो हमारा टारगेट इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा इस क्वेश्चन में कि हम कैसे भी करके एंगल POS फाइंड करें और एंगल QOS फाइंड करें और दोनों को माइनस कर दें ताकि हमारे पास ये पूरी इक्वेशन ऐसे ही बन के सामने आएगी। तो देखिए हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है POS और QOS फाइंड करना। सो हमें यह बोला गया है कि एंगल QOR जो है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ऐसे ही एंगल POR भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री का, ये लाइन स्ट्रेट है तो दोनों तरफ सेम बनेगा एंगल। सो हमें गिवन है क्वेश्चन में एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOR इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, नाउ हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है जो क्वेश्चन में गिवन है एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एंगल पी ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ एस, ये हमें प्रूव करना है। सो अब हमें क्या करना है, इसमें देखिए सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा एंगल पी ओ एस फाइंड करना। तो एंगल पी ओ एस जो है कैसे हम फाइंड करेंगे, ये देखिए अगर अपन बात करें एंगल पी ओ आर की, पी ओ आर ये जो पी ओ आर एंगल है दो एंगल से बना हुआ, किससे, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस, दोनों से मिलकर बना हुआ है पी ओ आर। अपने देखते हैं प्रूफ करने में,
बात कर रहे हैं एंगल पी ओ आर की, सो एंगल पी ओ आर इज फॉर्म बाय एंगल पी ओ एस प्लस आर ओ एस, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, और हमें पता है एंगल पी ओ आर हमारा कितना डिग्री है, 90 डिग्री, हमें क्वेश्चन में बोला गया पी ओ आर इज इक्वल टू 90, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 90, और ये जो आर ओ एस है इसको बोलेंगे इधर, क्योंकि हमें चाहिए पी ओ एस की वैल्यू फाइंड करना है, तो एंगल आर ओ एस इधर आएगा 90 माइनस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल पी ओ एस, इक्वेशन नंबर हो गया 5। नाउ अब हमारा टारगेट है एंगल क्यू ओ एस फाइंड करना, क्यू ओ एस देखिए, नाउ एंगल क्यू ओ एस जो है वो किससे लगे हुआ है, देखिए क्यू ओ एस इज फॉर्म बाय एंगल आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू, तो हम लिख सकते हैं एंगल OS is equal to angle ROS plus angle ROQ, yeah, QOR, QOR, पर हमें पता है एंगल QOR हमारे पास कितना डिग्री है, 90 डिग्री, सो एंगल इसको एंगल QOR जो बन जाएगा एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू हो जाएगा एंगल आर ओ एस प्लस 90। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, दोनों को रिप्लेस कर देता हूँ, ये ऐसा हो जाएगा आर ओ एस प्लस 90 इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस, और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों को अपन ने थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया, देखिए बस दोनों वाले पार्ट एक्जिस्ट हो जाए पीओ एस और क्यू एस। अब हमें क्या करना है, हमें लाना एंगल पीओ एस माइनस एंगल क्यू एस, तो यहाँ पर एंगल क्यू एस माइनस क्यू एस चाहिए हमें, एंगल क्यू एस माइनस एंगल पीओ एस, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट सबट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट सबट्रैक्ट फ्रॉम एंगल आर ओ एस प्लस 90 माइनस इक्वेशन फर्स्ट 90 माइनस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, जब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आर ओ एस प्लस 90 माइनस 90 माइनस माइनस हो गया प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, प्लस 90 माइनस 90 कैंसिल हुआ, ये बचेगा आर ओ एस प्लस आर ओ एस कितना हो गया एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, इस टू का डिवाइड किया इधर तो बचेगा आर ओ एस हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, दैट इज द प्रूफ ऑफ आवर क्वेश्चन, आर ओ एस इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, दैट इज द आंसर। प्लीज फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।